वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है टैग ग्रिप। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। दोस्तों, अगर आप स्नैपचैट यूज करते हैं और स्नैपचैट पर आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव से चैट करते हैं और आप चाहते हैं कि उस चैट को आप डिलीट करें, उसको क्लियर करें, तो गाइज उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ सेटिंग भी बताऊँगा जहाँ से चैट्स अपने आप भी क्लियर हो सकती हैं। और लेकिन गाइज यहाँ पर मेनली तो मैं आपको बताऊंगा अगर आप फीड से उस चैट को डिलीट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को, आपको बताते हैं किस प्रकार आप अपने चैट्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन गाइज उसके साथ ही आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपको सबसे पहले अपने स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जिस भी बंदे से आप चैट करते हैं, कोई भी आपका फ्रेंड है या फिर कोई आपका रिलेटिव है, उसके अकाउंट पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ये विशु है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और लॉन्ग प्रेस करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमें ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैनेज फ्रेंडशिप वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ इस पर हम क्लिक करते हैं तो ब्लॉक, रिपोर्ट, रिमूव फ्रेंड्स वाले ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन गाइज हमें इसकी चैट्स को क्लियर करना है, इसको ब्लॉक नहीं करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, मैं अगेन यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो हमें यहाँ पर चैट सेटिंग वाला एक ऑप्शन दिखता है, हमें इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमें पिन कन्वर्सेशन वाला भी एक न्यू ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से पिन शॉर्टकट टू होम स्क्रीन वाला भी ऑप्शन मिलता है और नीचे डिलीट चैट्स वाला भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पर डिलीट चैट्स क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आफ्टर व्यूइंग और 24 आवर्स आफ्टर व्यूइंग। यहाँ पर बोला गया है चैट्स विद विशु व्हाट्सएप ऐप विल बी डिलीटेड। जो आप चैट्स करते हैं यहाँ इस अकाउंट के साथ तो वो चैट देखने के बाद डिलीट हो जाएगी या फिर दोस्तों देखने के 24 आवर्स के बाद डिलीट होगी। वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन हमें यहाँ से करनी है चैट्स क्लियर साथ की साथ ही। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अगेन मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, चैट सेटिंग पर आ जाते हैं तो ऊपर ही हमें एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर फ्रॉम चैट फीड। हमें यही ऑप्शन चाहिए था तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपसे बोलते हैं आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर दिस कन्वर्सेशन, ये बोलता है कि आप श्योर है कि आप इस कन्वर्सेशन को क्लियर करना चाहते हैं। और नीचे आपको देखने को मिलता है दिस विल क्लियर द कन्वर्सेशन फ्रॉम यूर फीड, जो आपकी फीड है वहां से ये कन्वर्सेशन को क्लियर कर देगा। इट विल नॉट टू डिलीट एनी सेव्ड और सेंड मैसेज इन यूर कन्वर्सेशन। और उसके साथ ही ये आपसे कहता है अगर कोई सेव्ड चैट है या फिर कोई फाइल है, कोई फोटो है, उसको ये डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन गाइज हमें यहाँ से इसको क्लियर कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ से देखिए जो हमारे फीड से विशु है वो हट चुका है, जो हमारी चैट्स है वो डिलीट हो चुकी है। गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उम्मीद करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।